आज मैं आपको तीज में बनने वाला प्रसाद की विधि शेयर करूंगी। आज हम लोग पिड़िकिया और खजूर बनाएंगे। पिड़िकिया बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम खोआ लिया है, जिसे मैंने भूनने के लिए तवा पे चढ़ा दिया है। खोए को हम लोग अच्छी तरह से भून लेंगे। खोआ अच्छी तरह से भून जाने पर ख़राब होने का डर कम रहता है और अच्छा बनता है। मेवा भुनने के बाद मैंने उसे पैन में सूजी भुनने के लिए रख दिया है। अब सूजी लगभग भून चुकी है। अब हम लोग उसमें फ्लेवर के लिए इलायची डाल देंगे। आप उसमें ड्राई फ्रूट भी भून कर डाल सकते हैं, जिसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिससे उसका टेस्ट बढ़ जाएगा और अच्छा लगेगा। ये देखिए सूजी भुन गया है। अब हम लोग उसमें चीनी डाल देंगे। मैंने करीब 2 चम्मच चीनी उसमें यूज किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ये देखिए सूजी में अच्छी तरह से चीनी को मिक्स कर देंगे। चीनी जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तब हम लोग उसमें जो भुना हुआ मावा, जो खोआ हमने रखा था, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें आप पीसी हुई शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने खड़ा है शक्कर लिया है, उसे वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से धीरे धीरे करके आप अच्छी तरह से मिला लें। मैंने करीब 200 ग्राम तक आटा लिया और उसमें करीब 1.5 चम्मच मोइन मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जब वो मुट्ठी बंधे लड्डू का शेप लेने लगे, समझ जाइए अच्छा मोइन तैयार है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह का आटा तैयार होना चाहिए। और अब हम लोग उसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके उसे गूंध लेंगे अच्छी तरह से। आटा ना अधिक सख्त, ना अधिक सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखिए हम लोग का आटा गूंध के बिल्कुल तैयार हो गया है बिल्कुल। अब हम लोग इसे ढककर सेट होने के लिए करीब 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम लोग अब खजूर खास्ते की भी आटे सेम प्रोसेस से ही तैयार करेंगे। इसका भी चेक उसी तरह से लड्डू बनाकर कर लेंगे। अगर वो मुट्ठी बंध जाए मैदा, तो समझ जाइए कि मोयन ठीक पड़ा है। और अब हम लोग उसमें चीनी डालेंगे। आटे को एक तरफ करके उसे साइड में चीनी डाल देंगे। मैंने करीब थोड़ी सा ही चीनी का, आप अपने चीनी को टेस्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसमें मैंने इलायची और लौंग को कूट कर डाल दिया है। थोड़ा सी करीब दो इलायची और दो लौंग ही लिया है मैंने। और उसमें पानी डाल के थोड़ा सा पिघला देंगे। जब वो अच्छी तरह से थोड़ा सा पिघल जाए, तब धीरे धीरे करके हम लोग आटे को उसमें मिक्स कर देंगे। आप उसमें पिसा हुआ शक्कर भी ले सकते हैं, उसको चाशनी बन हल्का सा गर्म पानी में घुलाकर भी चीनी को आप ले सकते हैं। मैंने ऐसे खड़ी ही चीनी को लिया है। और आप धीरे धीरे करके उसमें सारे पहले चीनी को अच्छी तरह से सारे मैदे में मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम लोग पानी का छींटा मार कर धीरे धीरे उसे हल्का गूंध लेंगे। ये सूखा ही कढ़ाई गूंधा जाएगा, क्योंकि गीला हो जाने पर और ज़्यादा कड़ा और सूखा होने पर अच्छा खजूर नहीं बनता है। ये देखिए धीरे धीरे करके इस तरह मैंने चीनी को मिक्स कर लिया। पानी के सहारा से धीरे धीरे छिटे, सिर्फ बाइंड करना, हमें सारे आटे को समेटना है। ये देखिए आटा बिल्कुल हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरह समेटना है, पूरा आटे की तरह गूंदना नहीं है, बस उसको आपस में ऐड कर देना है। अब देखिए अब हम लोग पिड़िकिया बनाएंगे। पिड़िकिया बनाने के लिए पहले मैदा को इस तरह लंबे आकार में करके और उसको छोटे छोटे लोइए उसके तोड़ लेंगे। देखिए लोइए को गोल गोल पेड़े का शक्ल दे देंगे इस तरह। देखिए ऐसे ऐसे हाथ में करके उसे प्रेस करके हम लोग धीरे धीरे उसे पेड़े का शक्ल दे देंगे। ये देखिए मैंने उसे बेल लिया है। ना हम ज़्यादा मोटा बेलेंगे ना ज़्यादा पतला। ज़्यादा पतला बेलने से भी वो फट जाती है, और ज़्यादा मोटा रहने से पर भी वो कच्ची रह जाती है। देखिए इसकी थिकनेस करीब इस तरह की होगी। अब हम लोग बीच में करीब 1 चम्मच या आपके पूरी के साइज के अकॉर्डिंग जितना उसमें फिलिंग आए, पूरा एकदम कस भरना नहीं है हमें, नहीं तो फूटने का डर रहता है।
ये देखिए इस तरह से साइड से करते हुए हम लोग आगे वाले फिंगर से जो भी फीलिंग है हमारी खोआ है उसको दाबते जाएंगे और पीछे वाले फिंगर से उसको दाबते, चुटकी सारे दाबते दाबते आगे की तरफ इस तरह हम लोग पूरा बाइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए अच्छी तरह से बाइंड कर लें और फिर उसे उंगली वही फिंगर की सहायता से बड़ी वाली फिंगर से हम लोग आटा को थोड़ा सा खींचेंगे और अंगूठे से उसको दाबते जाएंगे। इस तरह ये डिजाइन तैयार हो जाएगा। और फिर हम लोग जो भी फोल्डिंग वाला हिस्सा है उसको अंगूठे से इस तरह चुटकी से दाबते दाबते दाब लेंगे तो ये एक नए प्रकार का डिजाइन तैयार हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए कितना खूबसूरत पिड़किया तैयार हुआ है। अब मैं उस सेम तरीके को एक बार और फिर से रिपीट करके आपको बता रही हूँ। इस तरह हम लोग फिलिंग भरेंगे। नेपुरी के साइज़ के क्रोडिंग छोटा है तो कम, ज़्यादा है तो इसी तरह दोनों आगे वाले फिंगर से उस सूजी को दाबते जाएंगे और पीछे वाले फिंगर से हम लोग उसको दबाते जाएंगे इस तरह। देखिए तो से बिल्कुल तैयार हो गया है। और इस तरह करके आप चाहे तो इसे ऐसे ही मोड़ के भी रख सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, एक डिजाइन ये भी हो जाएगा। आ नहीं तो आप इस तरह चुटकी से दाब दाब के इसके नए डिजाइन का एक शक्ल दे सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर डिजाइन बनी है। अब हम लोग खजूर बनाने का तरीका देख ले थोड़ा सा। उसका भी वही लंबे से करके छोटा छोटा लोइया तोड़ लेंगे हम लोग। ये देखिए फिर ऐसे से गोल करके ऐसे हाथ से दाब देंगे। अगर आपके पास सांचा है खजूर बनाने वाला या हम लोग के भाषा में कहीं कहीं ठेकुआ भी से कहा जाता है तो सांचे पर दाब करके आप उसको, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं डिजाइन इसका बना सकते हैं। नहीं तो आप आपके पास अगर कांटा है, कांटा का चम्मच है उसके सारे भी इस तरह दाब दाब के मैंने इसी के साथ कांटे से ही दाब कर इसका डिजाइन तैयार किया है। ये देखिए इससे भी अच्छा इसका शेप आ जाता है और देखने में सुंदर लगता है। देखिए बिल्कुल इस तरह से आप कोई भी डिजाइन कोई भी शेप दे सकते। पिड़किया बनाने का और एक बार और फिर से देख लीजिए। मैं और दो तीन तरीके के डिजाइन भी बताऊंगी। पहले वाला डिजाइन एक बार और फिर से आप देख लीजिए किस तरह बनाया है। एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा आपके लिए। ये देखिए इस तरह से चुटकी से हम लोग दाबते जाएंगे और आगे वाले फिंगर से फिलिंग को थोड़े सा प्रेस करते जाएंगे नीचे की तरफ। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे करते हुए हम लोग इसे अच्छी तरह से दाब देंगे। किनारों पर सूजी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फूटने का डर रहता है, पूरे घी में फैल जाता है जब फूटता है। तो इस तरह से देखिए कस के प्रेस कर ले, कहीं कहीं खुल भी रहा है तो उसको अच्छे से प्रेस करके बाइंड कर ले। ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर ले। इस तरह से चुटकी से दाब दाब कर अब दूसरा डिजाइन मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें भी उसी तरह से भरे फिलिंग और किनारे पूरियाँ किनारे से सूख रही हैं तो हम लोग उसमें वो पानी किनारे किनारे पानी लगा देंगे। पानी लगाने से वो अच्छी तरह से चिपक जाती है, एक प्रकार से ये फेविक्विक का काम करती है। इस तरह से पानी लगाएंगे तो अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगी और खुलेंगी नहीं। देखिए इस तरह प्रेस करते करते प्रेस कर लिया हमने। देखिए वो अच्छी तरह से चुटकी से इसको दाब देंगे और एक नए कांटे की सहायता से एक जो रेडीमेड सांचा आता है उसकी डिजाइन तैयार हो जाएगी। ये देखिए जैसे बाजार में बिकते हैं सांचे सेम उसी हाथ से हम लोग उसी तरह का डिजाइन, देखिए डिजाइन ये तैयार हो गया। अब हम लोग एक दूसरी डिजाइन बनाएंगे। इस तरह फिर से पूरी मैंने ले ली है वो उसमें फिलिंग को भरेंगे और किनारे को फिर से उसमें पानी लगाएंगे।
पानी लगाने से वो अच्छी तरह से चिपक जाती है। देखिए अच्छी तरह से हम लोग पानी लगाएंगे उसमें, इस तरह से फिर किनारों को दाबेंगे और हम लोग अब इधर के हिस्से को ऐसे दाब के ऐसे ले आके उसको वापस में चिपका देंगे, ज्वाइंट कर देंगे और इस तरह समोसे का रूप दे देंगे। इस तरह से फिर अच्छी तरह से हम लोग उसे चिपका देंगे। चिपकाते समय एकदम ध्यान देना जरूरी है, अगर उसमें ज़रा सा भी खोआ या सूजी का मात्रा आ गया तो फूटने का डर रहता है, इसलिए हम लोग इसका बात का ध्यान रखेंगे और अच्छी तरह से चिपका के देखिए इसको इसी तरह से फोल्ड कर दीजिए। आप चाहे तो इसी तरह रख सकते हैं या इसमें वो कांटे के द्वारा भी फोर के द्वारा भी अच्छे से डिजाइन बना सकते हैं, आप एक डिजाइन इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए एक डिजाइन ये तैयार हो गया। अब फिर अब हम लोग एक डिजाइन और हम लोग सीखेंगे। ये देखिए इस तरह फिर से किनारे में हम लोग पानी लगाएंगे, उसके बाद से इस तरह चुटकी की सहायता से फिर से दाब देंगे, जैसे चंद्र के आकार का अर्ध चंद्र के आकार का उसको शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से वो अच्छी तरह से चिपका दे पहले, फिर अब दोनों सिरे को इस तरह करके एक पर के ऊपर एक चढ़ाकर हम लोग उसे चिपका देंगे। ये देखिए आप चाहे तो इसमें किनारे से फिर वही कांटे वाले चम्मच की सहायता से दाब दाब कर डिजाइन बना सकते हैं, नहीं तो वही उस तरफ बाइंडिंग कर ले, फोल्ड कर ले ऐसे चुटकियों की सहायता से। इस तरह हम एक ही चीज़ को बहुत तरह से डिजाइन बहुत सकल सूरत दे सकते हैं, जिससे वो देखने में ये देखे दिए के आकार का हो गया, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब हम लोग चौथी डिजाइन पांचवी डिजाइन हम लोग सीखेंगे। ये देखिए ठाकुर अब उसमें फिलिंग भर लिया हमने, किनारों पर फिर से उसमें पानी लगाएंगे इस तरह एक प्रकार का, ये फेविक्यूब या फेविकोल जो कि ये पानी फेविकोल का काम करता है, इसमें इस तरह से ऐसे करते करते चुन्नट डालते इस तरह करके करीब पूरे सब को समेट लेंगे, पूरे के हिस्से को बीच में एकदम। ये देखिए और आगे वाले फिंगर का फिर वही काम रहेगा उस फिलिंग को अंदर की तरफ प्रेस करना। ये देखिए बिल्कुल मोदक का रूप हो गया, एक प्रकार का मोमो की तरह भी लग रहा है, एक डिजाइन ये भी तैयार हो गया। इस तरह से आप मैंने कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और हम लोग एक एक करके किनारे से खजूर जो हमने बनाया है उसे डाल देंगे। देखिए इस तरह से धीरे धीरे करते हुए चारों तरफ से हम लोग इसमें एक एक करके किनारे से डाल देंगे, उंगलियों को बचाते हुए ध्यान रहे कहीं घी गर्म घी उंगलियों को ना लगे, जले नहीं। अब इस तरह से पलटी की सहायता से धीरे धीरे पूरा बैलेंस में कर लेंगे। ये देखिए आँच चूल्हे का आँच एकदम धीमा होना चाहिए, तेज आँच पर ये कच्चे ही रह जाएंगे। ये देखिए थोड़ा अब हम लोग एक पलट देंगे धीरे धीरे करके, सारे खजूर खास्ता जो भी बने उसे इस तरह से करके हम लोग सब पलट देंगे। पलट कर फिर से करीब सुनहरे होने तक इसे भून तलेंगे, वो अच्छी तरह से पक जाए, धीरे धीरे ये पक जाती है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है खजूर खास्ता हमारी, बिल्कुल देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अब हम लोग एकदम बिल्कुल बिस्किट की तरह हो गई है। अब हम लोग इसे एक एक करके सब निकाल लेंगे। मैंने सारे खजूर को तल लिया है, ये देखिए तल के इस तरह तैयार हुआ है। देखिए मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक सबको तल लिया, देखिए बिल्कुल बिस्किट की तरह लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है सुनहरी। और अब हम लोग उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और घी डाल दिया है और अब हम लोग उसमें पड़किया को तलेंगे, एक एक करके किनारे से हाथ को बचाते हुए हम लोग उसे डालेंगे पड़किया में।
पिड़िकिया बनाते समय आँच हमेशा धीमा ही रखना चाहिए, और तेज़ आँच रखेंगे तो कच्चा रह जाएगा, नहीं तो जल जाएगा। इस तरह धीमे आँच पे हम लोग अच्छी तरह से एक एक पिड़िकिया को पलट पलट कर हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक उसे भूनेंगे। हम लोग के यहाँ ये पिड़िकिया तीज त्यौहार पे बनती है घर हरितालिका के समय, और बहुत जगह ये होली के समय भी बनाई जाती है। आप इसे होली में भी ट्राई कर सकते हैं, जब या फिर जब भी आपका ऐसे भी खाने का मन करे तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसकी फीलिंग को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। आप चाहे तो उसमें नारियल की फीलिंग डालें, या सिर्फ खोए की फीलिंग डालें, या फिर सूजी, या फिर आप कुछ भी फीलिंग को डाल सकते हैं, और एक प्रकार से बहुत अच्छी तरह से स्वीट तैयार होती है। आप इसे ना सिर्फ त्यौहार या होली में भी, आप ऐसे भी आप इसे बना सकते हैं। बच्चों को ये बहुत ही अच्छा लगता है और बड़े को भी। ये देखिए हम लोग इसमें इसे हम लोग हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। आँच को हमेशा हम लोग धीमा ही रखेंगे। ये देखिए मैंने प्रसाद तैयार कर लिया है। आज व्रत है, हरितालिका तीज है। इस तरह व्रत में आप भी प्रसाद तैयार करें। ये देखिए इसका कलर देखिए कितना सुंदर आ गया है, दिखने में कितनी प्यारी लग रही है। अभी अच्छी तरह से पक गया है, अब हम लोग एक एक करके इसे निकाल देंगे। देखिए मेरे प्रसाद तैयार हो गई, अब मैं पूजा कर रही हूँ। हम लोग भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करके हरितालिका की कथा सुनते हैं और श्रृंगार का सामान छूते हैं, और दूसरे दिन बांस के पात्र में अन्न दान करते हैं, और उसके बाद से हम लोग पारण करते हैं। आई होप आपको मेरे प्रिकिया और खजूर की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।